यहाँ पे कुछ है ना नाटा ले, तो क्या है उतना उतना छोटा था नहीं, हिल रहा था कि रे 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 रे। क्या है दोस्तों पता नहीं, हमको तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हिल रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोग को हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी जो है ना दीपावली पहुंचने वाला है और 2-3 दिन में पहुंच जाएगा ना, 17 तारीख थी, 8 तारीख, इतना 12 तारीख का ना कितना तारीख है। तो दोस्तों घर का जो है ना काम मतलब सफाई हम लोग नहीं किए हैं और हम तो काम से बाहर चल जाते हैं और अरे की मम्मी भी अकेला नहीं साफ कर पाती है घर का। तो दोस्तों आज जो है घर का साफ सफाई, और इधर आप लोग देख सकते हैं अरे की मम्मी जो है ना उधर पूरा जाली सब जो झूल सब कोना कोना में लगा हुआ है वो सब जो बढ़िया से साफ कर दे रही है। बताइए हम क्या क्या साफ करेंगे बताइए, चलिए उधर वाला साफ करते हैं। यहाँ का ना बाद में करेंगे क्योंकि हाँ आर्या बाबू सोया है ना, आप लोगों भी सो गया है, और अभी जो है इधर वाला करेंगे, ये वाला रूम का। इधर बहुत सारा है जी, ऊपर में भी कितना सारा है, उधर भी है, इधर इधर है, इधर वाला बड़ा वाला है, इधर ये वाला। आपका नहीं हाथ नहीं पहुंच रहा है, मेरा हाथ पहुंचता है कि नहीं, मेरा हाथ तो पहुंच रहा है आराम से। ये देखिए आर्या के पापा अभी साफ कर रहे हैं, काफी मतलब झोल सब जम गया है, इतना हरा हुआ। दुर्गा पूजा में आपने साफ नहीं किया था ना, नहीं इसीलिए तो इतना जम गया है, तो हाँ। इतना नहीं जमता ऐसा, अरे हाँ फंस गया। पहले ऊपर का झाड़ के नीचे उतारेंगे ठीक है, उसके बाद ये सब पोछ लेंगे, दरवाजा सब खिड़की सब पोछेंगे। हाँ आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर बाद में हमको टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर कहाँ चल जाएंगे हम, फिर अब से अकेला होगा नहीं, उधर आर्या बाबू तंग करते रहेगा हमको। तो अभी सोया है, तब तक आप जो भी काम बाकी है ना सब कर लीजिए। इतना सारा इधर जमा हुआ है, देखो कोना सब में कितना है, देखिए तो ये कोना है बहुत सारा, हम पहुंच नहीं सक रहे थे, देखिएगा शॉर्ट लगेगा नहीं तो करंट लग जाएगा। हाँ इधर तो ये वाला यहाँ पे है, और क्या साफ करना है, अब इसको झाड़ू मार दीजिए ठीक है, इसको कहाँ रखना, यहीं पर रख दीजिए नीचे में, चलते हैं, चलिए झाड़ू आप मारिए। जितना ऊपर का था ना ये वाला सब, वो वाला सब साफ हो गया है, और अभी जो है झाड़ू मारना है और सरफ से थोड़ा धोएंगे, पोछा लगा देंगे सरफ, देखे ना उसमें थोड़ा अच्छा लगेगा, वैसे तो रोज हम लोग पोछा मारते ही है तो, लेकिन आज थोड़ा बढ़िया से ही करेंगे। इधर वाला हो गया, इधर वाला झूल सब वाला, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आर्या की मम्मी जो कर दी है इधर वाला, और बाकी जो है अभी झाड़ू मारने का नीचे में है। चलिए अच्छा हाँ ऊपर वाला भी साफ करना पड़ेगा ना, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आर्या की मम्मी जो है ना कहाँ चढ़ गई है ऊपर, और जो भी मतलब तेल वगैरह सब रखा हुआ था ऊपर में वो सब नीचे करके रख दे रही है, सब डब्बा उतरिए नीचे, एक एक करके सब झाड़ेंगे, ऊपर पूरा गंदा हुआ है ना। हम आए ऊपर हो जाएगा ना, नहीं तो हमको भी ऊपर आना पड़ेगा, नहीं होगा तो बोलिए आएंगे ऊपर, झाड़ू लाएंगे ना। हाँ झाड़ू लेके आएंगे, कौन वाला है वाला झाड़ू की जाएगा दूसरा, हाँ एक ही झाड़ू हो जाएगा, तो खाना सब इधर कर लेते हैं, हमको क्या मिल गया देखिए, अरे जो आपको दिया था वही वाला है ना, हम भूल गए थे रख के, चलिए इसको खाते खाते काम तो करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं भूमर चिंगम मिल गया ऊपर में, कहाँ रखे थे रेख में, हम बहुत दिन पहले लाए थे इसको दिया थे खाने के लिए कि बाबू को मत दीजिए आप खा लीजिएगा, ये छुपा के रखी थी ऊपर में, और आज इतना दिन के बाद मिल रहा है हम लोग को, साफ सफाई में मिल गया, चलिए खाते खाते टाइम पास हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का चावल ना थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसको भी दोस्तों जितना है बाकी सामान ना इधर जो है इधर सब शिफ्ट कर देंगे, जो चावल वगैरह हम लोग का बचा हुआ खाने सामान उसको इधर कर देंगे, इसमें क्या है दाल इधर ही रख देते हैं सब सामान ठीक है, फिर उधर जो है ना झाड़ू मार के रेडी हो जाएगा, फिर हम लोग इधर लाएंगे फिर से। तो दोस्तों आर्या की मम्मी को चाहिए झाड़ू, और इधर ऊपर से झाड़ू मार देगी ना,
लीजिए आपका झाड़ू, उधर मार लीजिए झाड़ू, बढ़िया से मार लीजिए, ऊपर तरफ मार लीजिए, ऊपर ऊपर तक एक बार आप किए थे ना साहब, फिर एक बार बढ़िया से साफ कर दीजिए, एक ही बार साफ करना है दिवाली में, वैसे तो कभी साफ सफाई होता नहीं है ना। तो ये है हम लोग का दोस्तों किचन, तो पहले किचन से हम लोग शुरुआत किए हैं, तो पहले किचन सफाई करेंगे, उसके बाद उधर वाला रूम साफ करेंगे ना। हाँ। बीच वाला तो आर्य बाबू सोया है, बीच वाला मतलब इतना गंदा नहीं है, आप लोग देख भी सकते हैं, इसको बीच में ना साफ कर दिए थे, खाली ये जो कपड़ा वपड़ा जो इधर उधर फेंका हुआ उसको सरियाना है, और बाकी जो है नीचे वाला सब देखते हैं क्या क्या कचरा वगैरह है, और पूजा वाला तो ठीक है हम लोग का, और नीचे में ना ये वाला सब, और फिर से एक बार सरियाना पड़ेगा बढ़िया से, और ऊपर का देखते हैं ऊपर में क्या है, ऊपर में बहुत सारा सामान है, तो इसको थोड़ा सा हल्का झाड़ू मारना पड़ेगा, इधर पूरा खाली है, ये जगह पूरा खाली है ये जगह, और आपका इधर भी खाली है, तो अभी एक जगह रखा हुआ ना सब, तो मतलब वो सबको इधर लाएंगे, नहीं तो वो उसको जो है इधर ला के इधर रख देंगे, का मतलब ताकि जो है ये जगह पूरा खाली रहे और कुछ सामान रखने के लिए। मान लिए झाड़ू। हाँ। क्या है पता नहीं, कीड़ा कीड़ा है। हाँ। और रहने दीजिए, वो मतलब घर बना लिया ना कीड़ा, मजा आ रहा है ना ऊपर चढ़ के झाड़ू लगाने में। आपको भी करना है, आप ही चढ़े हैं तो आप ही कीजिए। खिड़की दरवाजा आप धो लीजिएगा, ठीक है? खिड़की और दरवाजा अच्छा, दरवाजा सब भी धोना है। हाँ। झोल झपाटा जितना है ना सब साफ करें। तो अब उतरेंगे हैं। हो गया ऊपर का? हाँ हो गया है। पेपर रहता तो अच्छा रहता ना ऊपर में, रैक में है पेपर, देखते हैं पेपर कहाँ रखा हुआ है, पेपर रहेगा ना तो मतलब इतना गंदा नहीं होगा, कहाँ ऊपर में कि नीचे में? सबसे नीचे वाला। हाँ पेपर तो दोस्तों मिल गया है, और पेपर दे देते हैं, पेपर देने से मतलब इतना गंदा नहीं होगा, हर बार पेपर झाड़िए गंदा खत्म, इसके लिए दोस्तों अभी जो है ना पेपर दे देते हैं, बहुत गंदा हो गया है। पहले भी दिए थे पेपर लेकिन बहुत गंदा हो गया है, तो अभी दूसरा पेपर चेंज कर दे, पहले ये वाला पेपर दिया हुआ था, ये वाला गंदा हो गया पूरा इस साइड से, तो इसको भी पलट के दे सकते हैं ना, इस साइड तो एक साइड तो साफ है पूरा, मतलब तेल तेल हो गया, नहीं दे सकते ये सब जो ना पूरा तेल तेल हो गया, खराब दिख रहा है, दूसरा दे दीजिए नया वाला। दोस्तों अरे की मम्मी जो है ना दूसरा पेपर दे रही है ऊपर में, नहीं ये सब जो है ना सूखा वाला है, ऐसे ही ये वाला ये सब में थोड़ी कुछ हुआ है, और कुछ है। ये जो है नींबू वाला अचार, तो ऊपर का तो दोस्तों लगभग कंप्लीट हो गया है, और अभी जो है हम लोग का बचा हुआ है नीचे वाला, ये सब कैसे उतरे कैसे उतरेगा, जैसे वो उठे था वैसे जंप कीजिए, चले चले उतरिए उतरिए, सक गए थे अभी दोस्तों, यहाँ नीचे नीचे सब पहले, हाँ पहले ऊपर का कर लेते, नहीं तो सब जना कचरा नीचे गिरते रहेगा फिर गंदा हो जाएगा ना। क्या है, रुके रुके यहाँ पे कुछ है ना, डांटा ले तो क्या है, तो इतना छोटा था नहीं, हमको तो लग रहा चूहा है, हिल रहा देखिए, अरे क्या है दोस्तों पता नहीं, हमको तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हिल रहा इतना बड़ा चूहा है, बाबू खोल दीजिए खोल दीजिए, भागेगा भागे, चला गया चला गया बाबू, बाबू डर गया, चूहा था रे, इतना बड़ा चूहा था यहाँ पे आया था, इतना बड़ा चूहा बाबू डर गया, अच्छा चूहा था दोस्तों, हम तो मतलब क्या
क्या है बताया कि हमको लग रहा कि क्या है अंदर में, पूरा बैग समेत ये बैग जो है ना इसको लेके पूरा भाग रहा था। इसी के बैग के अंदर में था, क्या था इसमें और है क्या? बच्चा है। अरे दोस्तों आप लोग को दिखा देते हैं एक बार ऊपर, यहाँ मतलब बच्चा दिया है, ये देखिए छोटा छोटा बच्चा दिया है। दोस्तों आप लोग देख सकते कितना छोटा छोटा प्यारा प्यारा दिख रहा है, चूहा का बच्चा देखिए ये। अरे बाबू जल्दी आओ तो, कितना अच्छा दिख रहा है, दो गो चूहा का बच्चा दिया है। उसका मम्मी तो भाग गया किधर, आइए चूहा तो चला गया खाली। दोस्तों दो गो बच्चा यहाँ छोड़ के चला गया है, इसको देखते हैं कहीं साइड पे रख देंगे, अगर उसका मम्मी आएगा तो ले जाएगा। तो इतना सुंदर दिख रहा है, अभी अभी हमको लग रहा है कि निकला है सब। तो दोस्तों जितना सारा सा ये है ना इधर जो भी साफ सफाई है पहले साफ कर लेते ठीक है, नहीं तो इससे में मतलब अकेला अकेला करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप लोग भी बने रहिएगा। तो पहले सब ना साफ कर लेते हैं बढ़िया से, और इधर वाला भी, और अरे बाबू भी तो उठ गया, अभी तो हमको नहीं लग रहा है कि अभी जल्दी जल्दी काम करने देगा, अभी क्या क्या पता नहीं क्या नौटंकी करेगा अरिया बाबू, है ना बाबू? अभी बदमाशी करेगा ना, काम नहीं करने। अच्छा नहीं बदमाशी करेगा, तो चलो अच्छा बात है, हम दोनों हम और मामी ना ऐसा बढ़िया से साफ कर देते हैं, दीपावली आ गया ना ठीक है, तुम खेलते रहो हाँ, और बाबू के लिए पटाखा भी लेके आएंगे, बाबू भी साफ करेगा, मदद करेगा ना। चलिए दोस्तों पहले ना सब साफ कर लेते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग का साफ सफाई हो गया है, और मतलब सभी जो मतलब किचन वगैरह और रूम इतना सब साफ सफाई करना था, सब कुछ सफाई हो गया है। और आप लोग को दिखा देते हैं एक बार फाइनल लुक कि कैसे हो गया अभी, और पहले कैसा था, पहले वाला तो आप लोग देखे होंगे, और अभी मतलब सफाई होने के बाद कैसा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ सफाई होने के बाद कैसा दिख रहा है। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि कैसे सफाई हो गया हम लोग का रूम, और पहले कैसे था और बाद में आप लोग को कैसे दिखाई दिया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।